दोस्तों आज का थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे बहुत ही ज्यादा धांसू ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों आपको बताने वाले इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे होगा। तो दोस्तों ये हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इंस्टाग्राम से क्या हम पैसा कमा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट उनका आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कृष्णदेव जी ने हमें कमेंट किया था कि यहाँ पे हम इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें इंस्टाग्राम से आप पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन है, बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से लाखों लोग लाखों रुपए का अर्निंग करते हैं और दोस्तों आप भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर पाइएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना होगा, अगर समझ लीजिएगा अच्छी तरह से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाइएगा। तो दोस्तों इसमें आपको अर्निंग कैसे होगा, तो बहुत सारा आप यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि आपको बताया जाता है कि जीरो फॉलोवर्स पे आप लाखों रुपया अर्निंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। तो दोस्तों ये सब वीडियो बहुत वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा जानकारी देने वाले हैं क्या आप जीरो फॉलोवर्स पे अर्निंग कर सकते हैं या फिर आपके पास 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 फॉलोवर्स होगा तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम पूरा वीडियो बताते हैं और पूरा समझाते हैं। पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा समझिएगा तभी आपको अर्निंग होने वाला है। तो सबसे पहली बात करें तो जीरो फॉलोवर्स पे क्या हम अर्निंग कर सकते हैं, तो इनका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके पास फॉलोवर्स नहीं है तो आपको कोई भी कंपनी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, कोई भी ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। और दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ 5,000 भी फॉलोवर्स है तो 5,000 भी फॉलोवर्स है तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आपका क्या लाइक्स आ रहा है, क्या व्यूज आ रहा है, कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कितना कमेंट्स आ रहा है, ये सब चीज़ों को आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितना ज़्यादा आपको पब्लिक चाहते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको क्या करना हो, आपके पास फॉलोवर्स कम भी होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 500 फॉलोवर्स है, कोई भी कंपनी आपको कॉन्टैक्ट किया और उसका आपने उसका एड्स चलाए तो दोस्तों उसका ब्रांड के बारे में बताएं। वो अगर ब्रांड का कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदता है, मान लीजिए 5,000 आपके पास फॉलोवर्स है, अगर 2,500 लोगों ने भी देखा है, 2,500 लोगों में देखा है, 1,000 लोगों ने कम से कम अगर उसको खरीद लिया है तो उसके हिसाब से आपको जो है आपको पैसा देता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता, यानी कि जो आपसे प्रमोट करवा रहा है वो आपको पैसा देता है। बहुत सारे एप्लीकेशन का भी प्रमोट होता है, बहुत सारे जैसे कि नया कोई इंस्टाग्राम आईडी बनाता है, पेज बनाता है तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई नया कोई प्रोडक्ट सब यहाँ पे सेल होता है तो वो सेल के लिए आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेगा, उस कंपनी के जरिए आपको पैसा मिलेगा, ना कि आपको इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है। आपके पास पब्लिक होना चाहिए, यानी कि आपके पास फ्रेंड फॉलोवर्स होना चाहिए, फ्रेंड फॉलोवर्स। जैसे कि मान लीजिए कई सारे आईडी आप देखिएगा कि ऐसा होता है कि मिलियन में फॉलोवर्स है लेकिन उसका लाइक्स की बात करें तो 1,000, 2,000, 5,000 तक जाता है। तो दोस्तों ऐसे आईडी को कभी जो है कोई भी ब्रांड जो है कॉन्टैक्ट नहीं करता है। इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं करता है क्योंकि उनके पास पब्लिक तो है पर उनके पास कोई आ नहीं रहा है, वो फालतू है। तो इसलिए जो भी जैसे मान लीजिए 1,00,000 फॉलोवर्स है, 1,00,000 में अगर आपके पास कम से कम 50,000 भी लाइक्स आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, व्यूज जाते हैं तो उसे कॉन्टैक्ट करेगा बराबर से। इसलिए वो कॉन्टैक्ट करेगा क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये हमारा कोई भी मान लीजिए कोई एप्लीकेशन के बारे में ही बताते हैं तो उनके बात मानेंगे। मान लीजिए हम आपको बताते हैं तो हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट है तभी ना आप हमारा वीडियो देखते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन के बारे में हम बताते हैं तो एप्लीकेशन पर ट्रस्ट होता है तभी आप हमारा वीडियो देखते हैं। इसलिए उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए तभी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए 1,00,000, 2,00,000 आपके पास फॉलोवर्स है तो इससे क्या होता है, तो कई सारा ये भी होता है। जैसे मान लीजिए अमेजोन का कोई भी अमेजोन का सामान वगैरह है, अगर उनका लिंक डाल के आप जो है किसी से परचेज करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, या फिर अमेजोन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, उसमें आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, 2% से लेके आपको 10% तक कमीशन मिलता है। अगर वो लिंक डाल के आप वहाँ से परचेज किसी को करवाते हैं, मान लीजिए 1,000 लोगों ने परचेज किया तो उसका आपको 10% अगर मिलता है तो 10% यानी कि 1,000 रुपये का अगर वो प्रोडक्ट है, 1,000 का वो उन्होंने खरीदा है तो उसमें 10% अगर कमीशन आपको मिलता है तो 100 रुपये आपको मिल जाता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपये का अगर मिलता है तो 10,000 रुपये आपको मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, इस तरह से आप अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा वीडियो समझ में आ चुका होगा और दोस्तों अगर कुछ हम भूल भी गए हैं तो इसके आगे वाले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि दोस्तों पूरा रिसर्च नहीं कर पाए और बहुत जल्दी कमेंट आया था और कमेंट पे हम पूरा रिसर्च नहीं कर पाए और हमारा वीडियो बनाने का टाइम आ चुका था इसलिए हम अभी वीडियो दे रहे हैं। और दोस्तों कोई भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो
तो हम आपको रिसर्च करके बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।